हमने जो जो ये अभियान अब तक जितना अभियान चलता हुआ आ रहा था प्रमोट कराने के लिए, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स चाहे वो MBBS को, BDS हो, नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, आयुर्वेद हो, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हो, सभी को प्रमोट कराने के लिए पूरे भारतवर्ष के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी राज्यों के, उनको प्रमोट कराने के लिए रेगुलर जो अभियान चल रहा था उसी अभियान के अगले क्रम में कल मंडे को सुबह 11 बजे से, यानी कि 27 जुलाई सुबह 11 बजे से, यानी कल से सुबह से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं ट्विटर पे। इस पे हैशटैग प्रमोट ऑल मेडिकल फील्ड स्टूडेंट्स नाम से ये जो हैशटैग का अभियान चलाया हमने, तो आप सभी को निवेदन करता हूं मैं, आप जिन जिन लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को इस हैशटैग अभियान से जोड़ के और जितने ज्यादा ट्वीट कर सके, जितना ज्यादा इसको ट्रेंडिंग में लाएंगे इस पूरे सिस्टम को, तो हम लोगों को काफी इसमें सफलता मिलेगी और हम सरकार पे, जैसे केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उन पे हमें दबाव बनाना होगा, मानव संसाधन मंत्रालय, UGC पे, MCI पे, सभी पे दबाव बनाने के लिए, क्योंकि ये मैटर क्या है थोड़ा सा डिले हो रहा है और डिले होने का जैसे राजस्थान में तो मेन रीजन ये है कि यहाँ पे अब तक हम करवा ही चुके होते लेकिन यहाँ की सरकार अस्थिर हो गई थी अशोक गहलोत जी और ये जो सचिन पायलट जी का जो मैटर इशू चल रहा है उसकी वजह से काफी समय से इसमें टाइम लग रहा है। नहीं तो अब तक मेडिकल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है उससे तो हम क्लियर करा भी चुके होते और इसी आधार पर दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी अब तक करवा चुके होते। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम कंट्रोलर सर जो है अनिल काजला जी, उनसे हमने लेटर एकेडमिक काउंसिल को भिजवा दिया और एकेडमिक काउंसिल से अब बॉम्बे चला जाएगा और बहुत जल्द फैसला आ जाए, लेकिन पहले मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइन है और जो DCI की गाइडलाइन है, इन सभी गाइडलाइंस का भी वो वेट कर रहे हैं। अभी तक उनके पास नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों के ही पहुंचे हैं लेटर। तो जल्द से जल्द आप लोग प्रमोट के इस अभियान को मजबूती से चलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्विटर पे फॉलो करें और ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा आप ट्वीट करें, एक जन एक एक जना 30-30, 40-40, 50 जितने ट्वीट कर सकता है उतने ज्यादा ट्वीट करें, जिससे इस अभियान को बहुत मजबूती से ट्रेंडिंग में लाया जा सके।